नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले अखिलेश यादव, अहम मानी जा रही है यह मुलाकात। रवि किशन ने बिहार यूपी के सीएम को पत्र लिखकर कड़े कानून बनाने की मांग की, कहा भोजपुरी फिल्म और गानों के स्तर में काफी गिरावट आई है। नाइट कर्फ्यू में अभी राहत नहीं, पढ़िए अनलॉक 2.0 को लेकर नीतीश सरकार की क्या है तैयारी। बिहार में हेल्थ सब सेंटर और पीएचसी होंगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, मंगल पांडे ने केंद्र के फैसले पर कही ये बात। कोरोना का असर सरकारी कर्मियों के डीए पर भी, जुलाई में कर्मियों को डीए मिलने की भी उम्मीद नहीं। बिहार में गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर रद्द हो रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन विभाग ने शुरू की सख्त कार्रवाई। एम्स पटना साहिब और बिहटा रोड पर भी दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक बसें, आज से होगा ट्रायल। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच दोनों नेताओं की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। दिल्ली स्थित मीसा भारती के सरकारी आवास पर संभवतः अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की है। लालू यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली में माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य लाभ की सकारात्मक प्रगति जानी, हम सब की तरफ से उनको स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन की शुभकामनाएं। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर है। लालू से मिलने कई नेता दिल्ली जा रहे हैं। बीते 11 जून को लालू यादव ने दिल्ली में ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। लालू के साथ अखिलेश की यह मुलाकात शिष्टाचार वार्ता के साथ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम मानी जा रही है। फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों और गानों के जरिए समाज में फैलाई जा रही अश्लीलता पर रोक लगाए जाने की मांग की है। इसे लेकर रवि किशन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही सूचना एवं प्रशासन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी पत्र लिखकर कड़े कानून बनाए जाने की मांग की है। गोरखपुर के सांसद और एक्टर रवि किशन ने कहा है कि कुछ दशकों में भोजपुरी फिल्म और विशेषकर उसके गानों के स्तर में काफी गिरावट आई है। पूर्व में बन चुकी ऐसी फिल्मों और उसकी अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाई जानी चाहिए। भोजपुरी फिल्म जगत में रवि किशन पिछले 3 दशक से भी अधिक समय से जुड़े हैं। सांसद बनने के बाद भोजपुरी के उत्थान के लिए वे प्रयासरत हैं। लोकसभा में रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने के लिए एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक संसद में पेश किया। रवि किशन ने अपने पत्र में लिखा कि भोजपुरी भाषा में अनेक फिल्में बनी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में भोजपुरी फिल्म और विशेषकर उसके गानों के स्तर में काफी गिरावट आई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान मंगलवार को अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन मंगलवार को जारी की जाएगी। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के अध्यक्षता में मंगलवार को आहूत क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों में अनलॉक 1 की रिपोर्ट हासिल कर ली है। इसी के आधार पर अनलॉक 2 के प्रावधानों में कुछ रियायत दी जा सकती है। राज्य में अनलॉक 1 की तिथि मंगलवार को समाप्त हो रही है। सूत्रों का कहना है कि राज्य में अनलॉक 2 में भी जारी प्रतिबंधों में पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलेगी, दूसरे अनलॉक में कुछ रियायतें मिल सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। लॉकडाउन के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अनलॉक 1 की घोषणा की थी। राज्य में 8 जून से अनलॉक 1 के माध्यम से जनता व कारोबारियों को राहत दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में परिवर्तित करने और ब्लैक फंगस की दवा को कर मुक्त करने पर केंद्र सरकार का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन व जीएसटी काउंसिलिंग का आभार जताया है। श्री मंगल पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश के 150,000 उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए न सिर्फ लाभदायी होगा बल्कि संबंधित केंद्रों पर आयुष्मान भारत योजना का भी 100% लाभ मिलेगा।
कोरोना महामारी का असर आर्थिक गतिविधियों के साथ ही सरकारी कर्मियों के डीए यानी महंगाई भत्ता पर भी पड़ा है। इस बार जुलाई में केंद्र के साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों को भी डीए मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की घोषणाओं के बाद इसी तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने कर्मियों के लिए डीए की घोषणा करती है। यह लगातार चौथा मौका होगा जब सरकारी कर्मियों को डीए नहीं मिलेगा। जनवरी 2020 से ही सरकारी कर्मियों के डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसे पहले जुलाई 2019 में कर्मियों का डीए 5% बढ़ा था और यह 12% से बढ़कर 17% हो गया था। वर्तमान में इसी 17% की बढ़त के हिसाब से सरकारी कर्मियों को डीए मिलता आ रहा है। जनवरी 2020 में यह 17% से बढ़कर 21% होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुआ। इसके बाद से लगातार कोरोना महामारी के चरणबद्ध प्रभाव के कारण अभी तक यह नहीं बढ़ पाया है। बिहार परिवहन विभाग अब लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। बिहार में वाहन चालकों की मनमानी अब उन्हें महंगी पड़ रही है। सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करने पर परिवहन विभाग ने वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना शुरू कर दिया है। इस साल के 3 महीने में ही विभाग ने 215 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में है। इसकी अनुशंसा भी की जा चुकी है। बिहार में परिवहन विभाग ने अब दंड का तरीका सख्त कर दिया है। पहले केवल जुर्माना वसूलने वाला परिवहन विभाग अब हेलमेट और गाड़ी के कागजात को नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर भी सख्त है। सड़क नियमों को तोड़ने वाले गाड़ी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। सामान्य तौर पर जांच के अलावा दुर्घटना होने के दौरान भी अब लापरवाह चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। बांकीपुर एम्स, बांकीपुर पटना साहिब और बांकीपुर बेहटा रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इसके लिए आज से ट्रायल शुरू होगा और अगले 3 दिनों में बारी बारी से इन 3 रूटों पर ट्रायल लिया जाएगा। इसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि रास्ते में ऊंचा स्पीड ब्रेकर जैसा कोई अवरोधक तो नहीं है या सड़क पर ऐसे गड्ढे तो नहीं है जिससे गुजरने पर गाड़ी को अधिक उछलने की नौबत आए। इलेक्ट्रिक बस में बैटरी समेत इंजन के सभी प्रमुख पार्ट नीचे की ओर होने के कारण इसके प्रति अधिक सतर्कता बरती जाती है। बुधवार तक ट्रायल पूरा हो जाएगा और उसके सफल रहने पर गुरुवार या शुक्रवार से इन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। पटना विमेंस कॉलेज में नए सत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। कॉलेज की वेबसाइट पर शनिवार की शाम को ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसमें समय, तिथि और सवालों की संख्या शामिल है। नोटिस के मुताबिक 16 जुलाई से मॉक टेस्ट और 19 जुलाई से एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो जाएंगे। सभी यूजी और एमसीए विषय के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। पिछले साल भी कॉलेज ने ऑनलाइन एग्जाम लिया था। छात्राओं की सुविधा के लिए पहले प्रत्येक विषय का मॉक टेस्ट लिया जाएगा। इससे छात्राओं को समझ आएगा कि कैसे एंट्रेंस पे एग्जाम देना है। इसके बाद फाइनल एंट्रेंस टेस्ट होगा। सभी विषयों की परीक्षा 90 मिनट की होगी और 100 MCQ सवाल होंगे। एंट्रेंस टेस्ट 11:30 से 12:30 बजे तक का होगा। बिहार के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पीजी शिशु रोग विभाग में भर्ती 20 दिन के नवजात बच्चे की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूबे में किसी भी नवजात की कोरोना से यह पहली मौत है। अस्पताल प्रबंधन ने शिशु की मौत के बाद शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत पैक कर परिजनों को सौंप दिया है। पीजी शिशु रोग के विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने बताया कि बिहार में यह पहली घटना है जिसमें कोई 20 दिन का नवजात कोरोना की चपेट में आया है और इसकी मौत हो गई है। अररिया जिले के पीरनगर निवासी राहुल कुमार को 20 दिन पहले बेटा हुआ था। करीब 10 दिन पहले नवजात की मां ने देखा कि बेटे की सांस फूल रही है, खांसी भी हो रही है। नवजात को लेकर परिजन सदर अस्पताल पूर्णिया पहुंचे। इसके बाद एंटीजन रैपिड किट से कोरोना की जांच की गई। इसमें नवजात पॉजिटिव पाया गया। नवजात की स्थिति को देखते हुए उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। नवजात को लेकर 4 जून को परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। उसे पीजी शिशु रोग विभाग के निकू वार्ड में डॉक्टर सतीश कुमार की यूनिट में भर्ती किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिन्हा के अनुसार जिस वक्त उसे भर्ती कराया गया था उसका पल्स रेट कम और ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 97% था। 10 जून को नवजात का आरटीपीसीआर जांच कराई गई। इसमें वह पॉजिटिव निकला। शिशु रोग के विभाग अध्यक्ष ने कहा कि नवजात को लगातार ऑक्सीजन पर रखा जा रहा था। परेशानी यह थी कि ऑक्सीजन फ्लो कम रहने व संक्रमण फेफड़ों तक हो गया था। इस वजह से शुक्रवार आधी रात को नवजात का SpO2 लेवल 65% हो गया था। हमने काफी प्रयास किया लेकिन नवजात ने शनिवार सुबह 2:10 बजे दम तोड़ दिया।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने सदस्यों के लिए नई स्कीम लाने की तैयारी में जुटा है। यह स्कीम कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद कर्मचारी के परिवार को मिलेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने विशेष बातचीत में नए स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मृत कर्मचारी की वेतन मिलेगा, यानी कि ESIC में योगदान देने वाले व्यक्ति का अगर कोविड से निधन हो गया है तो उसके परिवार में पत्नी बच्चे निर्भर माता पिता को हर माह कर्मचारी के अंतिम सैलरी का 90% भुगतान किया जाएगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।